नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश के नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। यमन के हूती इसराइल के खिलाफ जबरदस्त एक्शन में है। हूती विद्रोही हमास के समर्थन में अब तक इसराइल पर रॉकेट और मिसाइल दागते थे। अभी हूती विद्रोहियों ने इसराइल के एक जहाज को ही अगवा कर लिया। 25 क्रू मेंबर्स को बंधक तक बना लिया गया। लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने किस तरह जहाज को हेलीकॉप्टर से अगवा कर लिया है, ये भी कूद कर आपको दिखाएंगे और ये आपको देखना भी जरूर चाहिए। लाल सागर में गैलेक्सी लीडर तेजी से बढ़ता जा रहा है। तुर्की से इस जहाज ने भारत के लिए यात्रा शुरू की, लेकिन भारत पहुंचता उससे पहले ही हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में इसराइल के मालवाहक जहाज को अगवा कर लिया। इसके लिए हूथी विद्रोहियों ने एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, जिससे वो इस जहाज में कूदे और फिर क्रू को बंधक बनाते हुए इसे अपने कब्जे में ले लिया। गाजा की आग क्या अब यमन में भी विध्वंस और तांडव मचाएगी? हूथी विद्रोहियों ने इसराइल को अब तक का सबसे बड़ा जख्म दिया है। सवाल है, क्या यमन होगा इसराइल का नेक्स्ट टारगेट? इसराइल यमन में गाजा जैसा ऑपरेशन चलाएगा? हमास के बाद हूथी विद्रोहियों पर टूटेगी इसराइली सेना? हूथी विद्रोहियों ने इसराइल का जहाज ही अगवा कर लिया। लाल सागर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर पर पहरा है। आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। इसकी साइज और शेप से बड़े बड़े दुश्मन कांपते हैं। इसे अमेरिका ने यमन के हूथी विद्रोहियों से इसराइल को बचाने के लिए ही लाल सागर में उतारा है। परमाणु हथियारों से लैस इस युद्धपोत के बावजूद यमन के हूथी एक इजरायली जहाज को अगवा कर ले गए। हूथियों ने कहा है कि जहाज के क्रू मेंबर्स के साथ इंसाफ इस्लामिक कानून के मुताबिक किया जाएगा। كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واجتيادها إلى الساحل اليمني. إن القوات المسلحة اليمنية تتعامل مع طاقم السفينة وفقا لتعاليم وقيم ديننا الإسلامي. إن القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة. इजराइल के 25 क्रू मेंबर को हूथी विद्रोहियों ने बंधक बना लिया। हूथी विद्रोहियों ने जानबूझकर इजराइल के शिप को अगवा किया ताकि उसके क्रू मेंबर को बंधक बनाया जा सके। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल को खुली धमकी दी है कि हमास के खिलाफ इजराइल ने गाजा में हमले बंद नहीं किए तो वह इजराइल के दूसरे जहाजों को भी अगवा करेंगे। अगवा जहाज इजराइल के एक बिलेनियर का है। जहाज पर क्रू मेंबर सिर्फ इसराइल के नहीं है बल्कि बुल्गारिया, फिलिपिनो, मैक्सिको और यूक्रेन की नागरिकता वाले भी शामिल हैं। हमास के साथ दिखने और इसराइल के खिलाफ खड़ा होने के लिए हूथी विद्रोहियों ने एक के बाद एक रॉकेट और मिसाइलें दागी इसराइल की तरफ, लेकिन लाल सागर से कोई भी जहाज इसराइल का अगवा नहीं कर सके। दरअसल हूथी विद्रोहियों को भी ईरान का ही समर्थन हासिल है और जिस तरह से ईरान शिया बहुल मुस्लिम देश है उसी तरह से हूथी विद्रोही भी एक शिया संगठन है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पूरा गाजा उजड़ गया लेकिन ईरान हमास को नहीं बचा सका। इसराइल आग बबूला है। 7 अक्टूबर को 1400 लोगों को खोने वाला इसराइल अब तक 12,000 फिलिस्तीनियों की मौत का कारण बना है। जहाज अगवा करना तो बहुत बड़ी बात हो गई। हूथी इसराइल का तिनका भी रखते हैं तो नेतन्याहू उन्हें बख्शने वाले नहीं। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि नेतन्याहू क्या अपनी सेना को हूथी विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध लड़ने का ऑर्डर देने जा रहे हैं? हूथी के खिलाफ इसराइल छेड़ेगा युद्ध?
इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आपको सबसे पहले 7 अक्टूबर से अब तक यमन के हूथियों के इसराइल के खिलाफ हमले की तादाद जरूर देखनी चाहिए। यमन के हूथी विद्रोहियों ने कुछ समय पहले हमास को समर्थन देने का ऐलान करते हुए इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही थी। इसके बाद उसने इजरायली सेना को निशाना बनाते हुए मिसाइल और रॉकेट हमले भी किए, लेकिन हूथी विद्रोहियों ने इजरायल ही नहीं दुनिया भर को चौंकाते हुए लाल सागर में जहाज को अगवा कर लिया। हूथियों ने लाल सागर में मालवाहक जहाज को इसलिए अगवा किया है क्योंकि उनको लगा कि ये इजरायल का है। जहाज के मालिकों को रे कार कैरियर्स नाम की कंपनी से जोड़ा गया है। इस कंपनी की स्थापना इसराइल के बड़े कारोबारी अब्राहम रामी उंगर ने की है। कंपनी के नाम से हूथियों को लगा कि यह जहाज इसराइल का है, जबकि इसराइल पीएम नेतन्याहू के कार्यालय ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि जहाज का स्वामित्व एक ब्रिटिश कंपनी के पास है और इसे जापानियों द्वारा संचालित किया जाता है। जहाज के चालक दल के 25 सदस्यों में भी कोई इसराइली नहीं है। इसराइली सेना ने कहा, दक्षिणी लाल सागर में यमन के हूथी विद्रोहियों ने इंटरनेशनल जहाज का अपहरण कर लिया है। ये वैश्विक ताकतों के लिए बड़ी चुनौती है। जहाज तुर्की से भारत के रास्ते पर रवाना हुआ था, जिसमें अलग अलग देशों के नागरिक थे। ये इजरायली जहाज नहीं है। साजिश, खून और जख्मों से भरी पड़ी है हूथी विद्रोहियों की कहानी, आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले 3H यानी हमास। इसराइल के खिलाफ सभी एक्टिव संगठनों को ईरान फंडिंग करता है। इन सभी संगठनों का फौरी मकसद भले ही अपने हकों के लिए लड़ना दिखता हो, लेकिन इनको खाद पानी देने वाले ईरान का असली मकसद है कि अरब जगत में उसका सिक्का चले। ईरान ने हमास के लिए अभी कुछ नहीं किया है। ऐसे में इसराइल के खिलाफ हमले कर रहे हूथी विद्रोहियों को ये सोचना चाहिए कि अगर इसराइल उनके खिलाफ हमले करेगा तो उस वक्त क्या ईरान हूथी विद्रोहियों के साथ रहेगा। इसराइल के खिलाफ खौफनाक संगठनों के एच समीकरण में यमन के हूथी तीसरा शक्तिशाली संगठन है। हूथी विद्रोहियों ने यमन की राजधानी पर 7 बरस से कब्जा कर रखा है। सुन्नी बहुल सऊदी अरब के बढ़ते धार्मिक प्रभाव के विरोध में हूथी समुदाय ने संगठन बनाया। 1990 में हुसैन बद्रुद्दीन अल हूथी ने हूथी विद्रोह की नींव रखी। यमन की आबादी में 1/3 की हिस्सेदारी हूथी समुदाय की है। हूथियों ने 2004 से 2010 तक यमन की साले सरकार की सेना से 6 बार युद्ध किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूथी विद्रोहियों के पास करीब 2 लाख की सेना है, जिनके पास रॉकेट और छोटी मिसाइल जैसे हथियार हैं। यमन के बड़े इलाके में हूथी समुदाय का कब्जा है। यमन के हूथी हमास के साथ स्वाभाविक रूप से खड़े हैं। इन दोनों संगठनों का मकसद है इस्लामिक स्टेट की स्थापना, जहां पूरी तरह से इस्लामिक कानूनों के मुताबिक देश चले। ईरान इन संगठनों को खाद पानी इसलिए देता है क्योंकि ये उसके इसराइल के खिलाफ एजेंडा का पालन पोषण करते हैं। पिछले हफ्ते अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक हूथी विद्रोहियों की तरफ से दागी गई उन मिसाइलों को अमेरिकी वॉरशिप ने हवा में ही ढेर कर दिया। पेंटागन की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि यमन से हूथी विद्रोहियों ने 3 मिसाइलें और कई ड्रोन लॉन्च किए थे, जो यमन से उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे ये आशंका जताई गई कि ईरान के इशारे पर हूथी विद्रोही इसराइल पर हमला करने के फिराक में थे। लेकिन उनका इसराइल पर हमले का प्लान तब फेल हो गया जब लाल सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत ने उनकी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। लेकिन दावा किया जा रहा है कि अगर हूथी विद्रोहियों की तरफ से दागी गई वो 3 मिसाइलें इसराइल तक पहुंच जाती तो वहां भयानक तबाही मच सकती थी। हालांकि इसराइल के सबसे बड़े मददगार अमेरिका ने हूथी विद्रोहियों के इस हमले को नाकाम कर ईरान को बड़ा झटका दिया। लेकिन जब हूथी जहाज तक उठा ले जा रहे हैं तो जाहिर है लाल सागर में अमेरिका को चौकसी बढ़ानी होगी। यहां लाल सागर का पूरा भूगोल समझना जरूरी है क्योंकि इसराइल पर यमन की ओर से हमला इसी क्षेत्र से हो सकता है। लाल सागर के पूर्वी तट से सटे देश हैं सऊदी अरब और यमन, जबकि पश्चिमी तट से सटे देश हैं मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। इनमें से मिस्र और यमन के साथ इसराइल की सीधी फाइट है। यमन के हूथी इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। हमास के संपूर्ण खात्मे के बावजूद हूथियों से इसराइल को आज ना कल दो हाथ करना ही होगा। मुश्किल यह है कि यमन हमास का गाजा नहीं है। यमन पर हमले के लिए इसराइल को ईरान से फरिया लेने की रणनीति बनानी होगी, और ये तभी संभव है जब इसराइल की डिफेंस फोर्स यानी IDF ये ऐलान कर दे कि उसने हमास के अंतिम आतंकी को मार गिराया है। गाजा में ऑपरेशन कामयाब हो गया है।
गाजा के अलशिफा अस्पताल का इस्तेमाल क्या वाकई में हमास के आतंकवादी कर रहे थे? ये सवाल यहां पर उठ रहा है, लाजमी भी है। अस्पताल का आखिर पूरा सच है क्या, इस बारे में कुछ भी कह पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर फिलिस्तीन के पत्रकारों की लगातार मौत हो रही है। 45 से ज्यादा पत्रकार रिपोर्टिंग करते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मारे जा चुके हैं। गाजा से आ रही खबरों पर भी इस वक्त इजराइल का पहरा लगा हुआ है, लेकिन जो खबरें छन छन कर आ रही हैं वो बेहद खौफनाक और बेहद डरावनी हैं। गाजा के अंदर मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे युद्ध की रफ्तार बढ़ रही है और युद्ध में समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लाशों का ढेर लगता जा रहा है। मौजूदा आंकड़े बता रहे हैं कि गाजा पट्टी के अंदर इजराइल के हमले में अब तक 13,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें करीब 5,000 बच्चे हैं और 4,000 से ज्यादा महिलाएं हैं। यानी 60% से ज्यादा मौतें महिलाओं और बच्चों की हुई हैं। जैसे जैसे इन हमलों में मौतों को लेकर इजराइल पर दुनिया का दबाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे इजराइल 7 अक्टूबर की दहशत भरी कहानियों को दुनिया के सामने पेश करके दोबारा 7 अक्टूबर जैसी सहानुभूति हासिल करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। यह 19 साल की इजरायली लड़की है जो 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा किडनैप कर ली गई थी और इसकी हत्या अल शिफा अस्पताल के अंदर की गई। यह दावा इजरायल डिफेंस फोर्स ने किया है। यह हत्या कितनी दर्दनाक थी और इस हत्या को छुपाने के लिए हमास ने क्या कोशिश की, इजरायल डिफेंस फोर्स ने इस पर क्या बयान दिया है और इस लड़की की जिंदगी खत्म होने के पीछे की सारी कहानी क्या है, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे गाजा के अल शिफा अस्पताल की, जहां पर इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक और खतरनाक सुरंग ढूंढने का दावा किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स के द्वारा तलाश की गई ये वो नई सुरंग है जो अल शिफा अस्पताल के कैंपस के अंदर मिली है। इसके पहले भी इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक और सुरंग अल शिफा अस्पताल के पास होने का दावा किया था और उसकी तस्वीरें भी जारी की थी। देखिए किस तरह से इजराइल डिफेंस फोर्स के एक सैनिक ने एक ही वीडियो में, एक ही फ्रेम में अल शिफा अस्पताल की इमारत और अल शिफा अस्पताल के बाहर मिली सुरंग की तस्वीर को कैद किया था और दुनिया के सामने रखा था। लेकिन अब ये दूसरी सुरंग है जो अल शिफा अस्पताल के कैंपस के अंदर मिली है। प्रोपेगेंडा करने में माहिर इजराइल डिफेंस फोर्स ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में दिखाया गया है कि ये सुरंग किस तरह से अल शिफा अस्पताल के कैंपस के अंदर से मिली है। सुरंग को अल शिफा अस्पताल की फेंसिंग के अंदर दिखाया गया है। ये सुरंग जो कि ऊपर से एक बड़े गड्ढे जैसी नजर आती है, इसके आसपास इजराइल के तमाम सैनिक नजर आ रहे हैं और इस सुरंग के अंदर बाकायदा लेजर रोशनी करके ये दिखाया गया है कि ये सुरंग कितनी गहरी है। इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा है कि ये सुरंग 50 मीटर से ज्यादा लंबी है। ये सुरंग आखिर अंदर कहां तक गई है, क्या वाकई में अल शिफा अस्पताल के नीचे बने हेडक्वार्टर से ये सुरंग जुड़ती है, ये वो सवाल है जिनका जवाब इजराइल डिफेंस फोर्स को देना है। जिस तरह से आईडीएफ ने सुरंग की तस्वीरें जारी की है, उससे एक बात तो साफ है कि जो दावा हमास और फिलिस्तीन की तरफ से किया गया था कि अल शिफा अस्पताल के अंदर कोई सुरंग नहीं है, वो दावा बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। इसके अलावा एक डे केयर सेंटर की तस्वीर भी इजराइल डिफेंस फोर्स ने जारी की है और इस डे केयर सेंटर के अंदर, यानी वो जगह जहां पर बच्चे खेलते थे, यानी किंडरगार्टन, वहां से हथियार मिलने की तस्वीर भी इजराइल ने जारी की है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल डिफेंस फोर्स लगातार
गाजा पट्टी के अस्पतालों, खासकर उत्तर गाजा के अस्पतालों पर अपना शिकंजा कसती जा रही है। फिलिस्तीन के एक अखबार में ये दावा किया गया है कि इसराइल ने ताजा हमला गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल पर किया है। इस हमले में 8 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है और अल शिफा अस्पताल की तर्ज पर अब गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल को भी घेर लिया गया है। शायद इसराइल डिफेंस फोर्स को इंडोनेशिया अस्पताल में भी हमास के मिलिट्री बेस होने का शक है। दूसरी तरफ गाजा के अल शिफा अस्पताल में 3 साल तक काम कर चुके ब्रिटेन के एक डॉक्टर ने फ्रांस 24 नाम के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। अल शिफा अस्पताल और हमास के सुरंग हेडक्वार्टर से जुड़े इन दावों पर बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नोवा मार्कियानो की। ये तस्वीर नोवा मार्कियानो की है जिसकी उम्र 19 साल थी और वो इजरायल डिफेंस फोर्स के अंदर एक महिला सैनिक थी। 7 अक्टूबर को नोवा मार्कियानो का अपहरण हमास के आतंकवादियों ने कर लिया। जिस ठिकाने पर नोवा को बंधक बनाकर रखा गया वहीं पर 9 नवंबर को इजरायल डिफेंस फोर्स ने एक एयर स्ट्राइक की थी। उस एयर स्ट्राइक में नोवा को बंधक बनाने वाले आतंकवादी मारे गए थे। नोवा को भी चोट लगी थी लेकिन नोवा की जान बचाई जा सकती थी। अब इसराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि घायल अवस्था में नोवा को अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया था, लेकिन अल शिफा अस्पताल के अंदर ही नोवा की हत्या हमास के एक आतंकवादी के द्वारा कर दी गई थी। इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल का दावा है कि नोवा की लाश अल शिफा अस्पताल के पास ही मिली है। इंडिपेंडेंट पैथोलॉजिकल रिपोर्ट हैज डिटरमाइंड नोवा'स इंजरीज वर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। आई रिपीट, Noah's injuries were not life-threatening. What happened to Noah? The world should ask what happened to Noah. According to the intelligence we have in our hand, a concrete intelligence, Hamas terrorists took Noah into Shifa Hospital, where she was murdered quickly. Hamas murdered Noah inside Shifa Hospital. इसराइल डिफेंस फोर्स ने लगभग 1 हफ्ते से अल शिफा अस्पताल पर कब्जा कर रखा है और वो अल शिफा अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। और इसी दौरान उसे अल शिफा अस्पताल का एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसको रिलीज करके इसराइल डिफेंस फोर्स ये दावा कर रही है कि अल शिफा अस्पताल का इस्तेमाल हमास के आतंकवादी हेडक्वार्टर के रूप में कर रहे थे। इसराइल डिफेंस फोर्स के द्वारा दी गई सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में आपको साफ नजर आ रहा होगा कि 7 अक्टूबर 2020 को सुबह 10:55 की यह तस्वीर है। गौर करने वाली बात यह है कि इसराइल पर आतंकी हमला भी 7 अक्टूबर की सुबह ही हुआ था। इन तस्वीरों को ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल साफ नजर आता है कि पूरे वीडियो में ऐसे कई लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने बाकायदा अत्याधुनिक बंदूकें रखी हुई हैं, उनके कंधे पर अत्याधुनिक हथियार नजर आ रहे हैं। इसराइल डिफेंस फोर्स का दावा है कि इस सीसीटीवी फुटेज में 2 बंधक दिख रहे हैं। एक बंधक थाईलैंड का नागरिक है और दूसरा बंधक नेपाल का नागरिक है। इसके अलावा एक बंधक को घायल अवस्था में अस्पताल के अंदर लाया गया था जो स्ट्रेचर पर नजर आ रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने दावा किया कि ब्रिटेन के एक डॉक्टर ने फ्रांस 24 नाम के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया। ये डॉक्टर 3 साल तक गाजा के अल शिफा अस्पताल में काम कर चुके हैं। गाजा के अल शिफा अस्पताल में काम करने वाले इस ब्रिटिश डॉक्टर का दावा है कि अल शिफा अस्पताल में कई ऐसी जगहें थी जहां पर उसे जाने के लिए मना किया गया था। ये कहा गया था कि अगर वो प्रतिबंधित क्षेत्र में जाएगा तो उसे गोली लग सकती है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास के हेडक्वार्टर का दावा करने वाले ब्रिटिश डॉक्टर ने अपना नाम नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर है कि गाजा में मौजूद हमास उनके सहयोगियों को मार सकता है। अल शिफा अस्पताल में काम करने वाले इस ब्रिटिश डॉक्टर ने आगे कहा कि सावधान किए जाने की वजह से मैं गाजा के अल शिफा अस्पताल के प्रतिबंधित क्षेत्रों से दूर रहा, लेकिन मैंने कुछ संदिग्ध से नजर आने वाले ऐसे लोगों को अस्पताल में हर समय अंदर और बाहर जाते देखा जो चिकित्सा कर्मी नहीं थे। ये लोग अस्पताल के बेसमेंट के अंदर जाते थे। इसराइल डिफेंस फोर्स ने इस ब्रिटिश डॉक्टर के इंटरव्यू को आधार बताते हुए एक बार फिर कहा है कि इस इंटरव्यू से साबित होता है कि अल शिफा अस्पताल का इस्तेमाल हमास के आतंकवादियों के द्वारा हेडक्वार्टर की तरह किया जा रहा था।
अगले 24 घंटे के दौरान ईरान के दो बहुत बड़े हथियारों को लेकर इसराइल और अमेरिका में रिपोर्ट पहुंचने वाली है। इसराइल को डराने के लिए ईरान ने बहुत बड़ा फैसला किया। ईरान ने दरअसल दो बहुत ही खतरनाक खौफनाक वेपन सिस्टम को अब तक छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन अचानक उन्हें सामने लाकर ईरान ने अपना इरादा साफ कर दिया। एक तरफ गाजा पर बमबारी हो रही, दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के दौरे ने इसराइल को खौफ से भर दिया है। एक तरफ इसराइल पर बम गिर रहा है, दूसरी तरफ ईरान से आई इन तस्वीरों ने नेतन्याहू की सेना का दिल बैठा दिया है। एक तरफ गाजा से उठता धूल और बारूदी धमाके का धुआं है, दूसरी तरफ तेहरान का हाई प्रोफाइल अड्डा है जिस पर इसराइल से लेकर अमेरिका तक सबकी नजरें हैं। इस अड्डे में क्या है, उससे पहले गुस्से से उबलता हुआ पश्चिम एशिया देख लीजिए। ये ईरान की राजधानी तेहरान है, इसराइल का झंडा जलाया जा रहा है, गाजा में बमबारी, करीब 13,000 लोगों की मौत और इनमें 5,000 बच्चों की लाशों को देखकर पूरा पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान पर पब्लिक का दबाव बहुत ज्यादा है, तेहरान में रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को उस अड्डे पर जाना पड़ा जहां ईरान के सबसे खतरनाक हथियार रखे गए हैं। यहीं से निकली ये तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सामने है ईरान का सबसे खतरनाक ड्रोन जिसका नाम है गाजा। इस ड्रोन को ईरान का सबसे पावरफुल लीडर क्यों देख रहा है, इस वक्त पूरी दुनिया में इसके मतलब निकाले जा रहे हैं। ईरान ने गाजा नाम का जो ड्रोन बनाया है, ये 2000 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेट कर सकता है। ये 35 घंटे तक 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और सबसे खास बात की ये 13 मिसाइल लेकर उड़ सकता है। ईरान ने इस ड्रोन का नाम बहुत सोच समझ कर रखा है। 2021 में इस ड्रोन को लॉन्च करने के बाद अब इसराइल की बमबारी के बीच गाजा ड्रोन को दुनिया के सामने एक बार फिर लाना, ये ईरान की तरफ से बहुत बड़ा संदेश है, खासकर जब इसके साथ खामनेई की फोटो पूरी दुनिया में वायरल की जा रही है। लेकिन खामनेई के टारगेट पर इस वक्त अमेरिका और इसराइल से ज्यादा अरब वर्ल्ड के वो देश हैं जो इस वक्त गाजा पर बमबारी को देखकर खामोश बैठे हुए हैं। मुसलमान توی مجامع و توی ازارات و اینا محکوم میکنن گاهی، حالا بعضی محکوم هم نمیکنن، بمباران ها رو اینها رو بعضی محکوم میکنن، این کافی نیست، بایستی این جریان و شریان حیاتی رژیم صهیونیستی رو باید قطع کنن، بایستی نگذارن که نفت و انرژی و چه و کالا و امثال اینا نباید بگذارن وارد رژیم صهیونیستی بشه، روابط سیاسیشون رو لااقل برای مدت محدود. जाहिर है ईरान की शिकायत इस वक्त सऊदी अरब से है और साथ में उन सभी इस्लामिक देशों से जो रियाद में इकट्ठा होकर भी इसराइल को घेरने में नाकाम रहे। तब से अब तक गाजा में कई और हजार लोगों की मौत हो चुकी है। खामनेई ने जो कहा उसे आम भाषा में टोपी ट्रांसफर कहा जाता है। वैसे सच ये भी है,
कि इजराइल की सेना लगातार गाजा में ऑपरेशन कर रही है, उसे रोकने के लिए इस्लामिक देशों की बैठक का नतीजा सिफर यानी जीरो निकला है। इस बीच इसराइल और अमेरिका को बड़ी चुनौती चार एच से मिल रही है। ये चारों एच इसराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन चारों एच के बारे में बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इन चारों एच को ईरान का पूरा समर्थन है। एच से हमास, एच से हिजबुल्ला यानी लेबनन का मिलिशिया, एच से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी, एच से हूती यानी यमन का विद्रोही गुट। इस वक्त लेबनन और इसराइल के बॉर्डर पर ऐसा युद्ध चल रहा है कि गाजा में हो रहे हमले छोटे लगेंगे। ये इसराइल के कब्जे वाले इलाके में उसकी सेना के अड्डे की हालत है। यहाँ पर हिजबुल्ला ने अपनी बुरकान मिसाइल से हमला किया। रिपोर्ट है कि हिजबुल्ला ने इसराइल के ठिकानों पर चार बुरकान मिसाइलें दागी और उसके बाद यहाँ की हालत देखी। हिजबुल्ला ने अपनी सबसे खतरनाक स्नाइपर फोर्स उतार दी है। हिजबुल्ला ने अपने एंटी टैंक दस्तों को इसराइल की पोस्ट पर लगातार हमलों का ऑर्डर जारी किया है। इसराइल के कई शहर टारगेट पर हैं। गाजा में बमबारी के खिलाफ हिजबुल्ला और हूती दोनों ने अपने हथियार गोदाम खोल दिए हैं। यमन अब इसराइल के समुद्री जहाजों को भी टारगेट कर रहा है। लेकिन ऐसे हमलों और गाजा पर बमबारी जारी रखने के बीच नेतन्याहू ने अपना वॉर ट्रायंगल तैयार कर लिया है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनन में हिजबुल्ला का अंत है, जबकि नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल का तीसरा सबसे खतरनाक कोना है सीरिया, जहां से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी इसराइल के बॉर्डर तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि सीरिया पर इसराइल के एयरफोर्स ने हमले तेज कर दिए हैं। ये तीनों जगह इसराइल के बॉर्डर से लगी हुई हैं और इसराइल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है। इस वक्त पश्चिम एशिया में जो भी हो रहा है वो दो कैंपों के बीच चल रहा है। एक तरफ है इसराइल और अमेरिका और दूसरी तरफ है ईरान और उसके साथ ही मिलिशिया। जहां दर बराबर अमरीका मुत्तहिद है, नफरत अज अमरीका सरासर अफकार उमूमी आलम र फरा गिरफ्ते है। अमरीका इमरोज बीश अज हर जमान दीगरी दर जहान मुनज़वी है। इन एक शिकस्त सियासी बराय अमरीका। इसराइल के जवाबी हमलों को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि इसराइल अब पीछे हटेगा। उसके रास्ते में जो आएगा इसराइल अब उसे मिटाना चाहता है, फिर चाहे वो हमास हो, हिजबुल्ला हो, यमन हो या फिर ईरान। इसराइल का इरादा पक्का है, जो उससे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान में इसराइल को लेकर इस वक्त बहुत गुस्सा है। ईरान के जनरल अब तक इसराइल की बमबारी को लेकर बहुत आक्रामक भाषण देते आए हैं, लेकिन इसराइल को डरा नहीं पाए। नर्म अमरीका व इंग्लिस व आलमान व फ्रांसे मुशख्खसन व बाजी दौलत है मुनाफिक दर किनार आनान इन्हा एक शिकस्त अखलाकी अजीम रा दर जहान تجربه کردند، اما آنها باید بدانند هیچ یک از این اقدامات مانعی نیست، عاملی نیست برای نجات صهیونیست‌ها.